गौरक्षक मोनू मानेश्वर को पुलिस ने मंगलवार को हिरासत में ले लिया, जिसके खिलाफ गत फरवरी में दो मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या के लिए राजस्थान पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कुछ लोगों ने उस पर नूह में हुई हिंसा के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप भी लगाया था। वहीं आपको बता दें कि बजरंग दल के सदस्य और गौरक्षक मोहित यादव उर्फ मोनू मानेश्वर को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे गुरुग्राम से सेक्टर 1 स्थित बाजार से पकड़ लिया गया। मोनू को नूह कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राजस्थान पुलिस जहां मोनू मानेश्वर की तलाश नासिर और जुनेद की हत्याकांड को लेकर कर रही थी, तो हरियाणा पुलिस नूह में हुई हिंसा में उसकी भूमिका की जाँच कर रही है। बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में शामिल होने आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान का मसला उठाया था। इस पर ट्रूडो ने भी भरोसा दिया था कि वह अपने देश में अलगावादी तत्वों पर लगाम लगाएंगे। हालांकि कनाडा में एक्टिव खालिस्तानियों की हरकतें अब भी कम नहीं हुई है। 10 सितंबर को ही खालिस्तान के वैंकूवर के सरे स्थित एक गुरुद्वारे में भारत के खिलाफ जनमत संग्रह हुआ था। मैं बता दें कि RPG ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका सोशल मीडिया पर अक्सर मोटिवेशनल और दिलचस्प पोस्ट करते रहते हैं। गोयनका का मजाकिया और गंभीर ट्वीट इंटरनेट यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। एक बार फिर उन्होंने एक्स पर कुछ ऐसा ही कंटेंट पेस्ट किया है। बिजनेसमैन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ की सैलरी बताई है और इसे लेकर लोगों की राय भी मांगी है। बता दें अपने पड़ोसी देश के पाकिस्तान पर नकले कसने के इरादे से अफगानिस्तान बड़ी तैयारी में जुटी हुई है। दोनों देशों के बीच सीमा पर जारी गतिरोध के बीच अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान ने पिछले सप्ताह से देश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में अफगानी मुद्रा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। अब जल्दी पाकिस्तानी मुद्रा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की संभावना है।